आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड क्या होता है और कौन से ऐसे फूड्स हैं जिससे आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। बॉडी में पुरीन के टूटने से यूरिक एसिड बनने लगता है। पुरीन हमारे फूड्स में प्रेजेंट होता है। फूड्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में चला जाता है और फिर ब्लड के थ्रू किडनी तक पहुँच जाता है। ये हमारे यूरिन से बाहर निकलता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है जिससे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड के सिम्टम्स, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द, एड़ियों में दर्द होने लगता है। ये दर्द कई बार ज़्यादा और कई बार सहने योग्य होता है। यूरिक एसिड को कैसे कम करें? आप जितनी ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे आपका यूरिक एसिड के लिए उतना ही बुरा होगा। अगर आप यूरिक एसिड को बढ़ा हुआ है तो आप फैट और शुगर से रिच फूड्स को अपनी डाइट से दूर रखें और यूरिक एसिड बनने पर अल्कोहल का सेवन ना करें। यूरिक एसिड बढ़ जाने की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है आप सही फूड्स खाएं, अपने फूड्स में विटामिन सी को ऐड करें, विटामिन डी रिच फूड्स खाएं। ऐसे करने से आप यूरिक एसिड कम हो सकता है। आपको अपनी डाइट में फाइबर इंक्लूड करना होगा। हाई फाइबर फूड्स लेने से आप बड़े यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइबर बॉडी में यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब करने में काम आता है। समझ सकते हैं फाइबर का कितना रोल होता है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में। आपको ऑलिव ऑयल का यूज करना होगा। ये आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। ऑलिव ऑयल में विटामिन डी काफी मात्रा में होता है, जो यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में मदद करता है। आपको नॉनवेज से दूर रहना होगा। नॉनवेज फूड्स में पुरीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण इनके यूज से बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। इसीलिए मीट खाने पर उसके कुछ पार्ट्स जैसे लीवर और किडनी को नहीं खाना चाहिए। आपको डाइट में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा लेने से यूरिक एसिड के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए प्रोटीन और प्यूरीन की मात्रा के रिच फूड्स जैसे दूध, दही, राजमा, मटर, पालक, दालों का सेवन करने से परहेज करें। प्रोटीन वाले 100 ग्राम फूड्स में 200 मिलीग्राम पुरीन होता है, जो आपके यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।